इस वाइन में एक तरबूज है जो मैं कल, नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सैनी आपका मोहम्मद बॉन्सा में फिर से स्वागत करता हूँ। मैं तरबूज की वाइन की फोटो डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो कुछ के मैसेज आए थे कि इसकी अपडेट क्या है, अब फिलहाल क्या है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आज मौसम ऐसा है जैसे बारिश होने वाली है। मैं दिल्ली गया था तब काफ़ी तेज़ धूप थी, उसका व्लॉग मैंने डाल दिया है चैनल पे, दूसरे पे मम्मल एडवेंचर चैनल पे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो देखिए, काफ़ी अच्छा व्लॉग है। दूसरे चैनल का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके चेक कीजिए। ये बच्चा है छोटा, और उधर देखिए वो बड़ी है, शायद इसके मम्मी डैडी होंगे। ये ग्रुप में रहते हैं पक्षी। दोस्तों ये एक कैरी के अंदर हमने जो तरबूज के कुछ सीड्स लगाए थे, जो कि जो वाइन देखी उधर काफ़ी फैल गई है, और कुछ इसमें टमाटर थे। टमाटर हमने बहुत सारे इस पे से तोड़ लिए हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बेल छोटी है, इसका कारण ये यहाँ पे जो वाटरिंग है वो पहले कम होती थी, अब यहाँ पे वाटरिंग अच्छे से होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए जो ज्वार है भैंस के लिए वो लगा दी है, और इस साइड जो ये एरिया है इसमें भिंडी है, इसलिए यहाँ पे जो नोजल है वो लगा दिए, तो उसका जो पानी है वो अब यहाँ पे अच्छे से आता है, इसलिए तरबूज की बेल टमाटर ये सब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसकी अभी जो फ्लोरिंग है वो स्टार्ट हो गई है। इस साइड जो ये एरिया है यहाँ पे पानी भरा होता था, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे झील है, यानी कि थोड़ा सा ढलान है इस साइड, तो यहाँ पे पानी रुक जाता था, तो इन बेलों को अच्छे से पानी मिला। इस वाइन के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए फ्लोरिंग है, लेकिन तरबूज इसमें भी नहीं लगा अभी, इसमें फ्लोरिंग अच्छे से हो रही है। ये देखिए इस वाइन में एक तरबूज है जो मैं कल देख के गया था, छोटा सा है, देखिए मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया था। ये देखिए ये रहा, और एक इस साइड है, ये देखिए इसको भी यहाँ रख देते हैं। दो तरबूज लगे हुए हैं, शायद एक आध और एक छोटा सा यहाँ पे देखिए, और एक बड़ा भी है, ये रहा, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए तरबूज, जो ये ब्लैक तरबूज है काफ़ी अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो तरबूज है ये ऑर्गेनिक तरबूज है, यानी कि इसमें हमने कोई भी जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो कुछ यूज़ नहीं किया है, इसको ऐसे ही छोड़ रखा है। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा गोबर खाद यूज़ किया था, उसके बाद हमने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो तीन से चार जो तरबूज है वो अभी लगे हुए हैं, और बाकियों में फ्लोरिंग है वो आ रही है, और देखिए जो वाइन है वो बाहर जाने लगी है, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। जितने भी नए नए इनकी जो ग्रोथ है उन पर देखिए जो तरबूज है वो आने लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक दो इस तरह छोटे छोटे तरबूज इन वाइनों पे बनने स्टार्ट हो गए हैं। हमने थोड़ा लेट लगाया इनको, अगर हम टाइम से लगाते तो बहुत अच्छे से इनमें जो फ्रूटिंग है वो होती। यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट भिंडी का, देखिए भिंडी भी लगी हुई है। दोस्तों पहले क्या खाने की चीज़ें काफ़ी यहाँ पे लगाते थे, आप नहीं लगाते, कारण ये है कि यहाँ का जो कुएं का पानी है वो पहले के ऊपर था, तो उस पानी से काफ़ी अच्छे से फसल होती थी, जो सब्जियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी होती थी। लेकिन अब क्या है, पानी नीचे चला गया, हमारे कुएं के अंदर भी काफ़ी नीचे पानी चला गया है, तो हमने काफ़ी नीचे तक जो पाइप है वो डाले हैं, तो अब क्या है जो पानी है वो पत्थर से आ रहा है। पहले क्या बजरी आती थी, अब क्या है पत्थर काट कर फिर पानी आता है, पत्थर काटने के बाद अंदर पाइप डाला उसके बाद पानी आना स्टार्ट हो गया, तो पत्थर से निकला जो पानी है ये फसल के लिए ठीक नहीं है, इससे फसल जो है वो अच्छी नहीं होती इतनी जितने की पहले होती थी, पहले जो सब्जियां बहुत अच्छे से होती थी। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।